हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड रजनी और आज आपके लिए मैं लेकर आई हूं एक नया टॉपिक, हाउ टू गेट जॉब इजिली। इसका मतलब है आपको जॉब्स इजिली कैसे मिले। तो इसमें सबसे पहले आपके सामने मैं पॉइंट रख रही हूं, एक ऐसे 5 ट्रिक्स रख रही हूं जिससे आपको जॉब्स इजिली मिल सकती है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहली ट्रिक है प्रिपेयर योर रेज्यूम्स प्रॉपरली। मीन्स आपको अपना जो सीवी है, जो रेज्यूमे है, वो आपको प्रॉपरली रेडी करना होगा। अपडेटेड रेज्यूमे रखो आप हमेशा अपना। आपका जो रेज्यूमे है वो एक अच्छे फॉर्मेट में, गुड फॉर्मेट में होना चाहिए। आपकी प्रॉपर क्वालिफिकेशन, आपका प्रॉपर एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी होना चाहिए। और सीवी का जो फॉर्मेट है एक अट्रैक्टिव फॉर्मेट होना चाहिए, क्योंकि इसका जो इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, उस पर इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो अपने पुराना रेज्यूमे मत लेकर जाओ। कोई टूटा मुड़ा जो फोल्डिंग होते हैं वैसे रेज्यूमे मत लेकर जाओ। जहाँ तक हो एकदम प्लेन रखो और एक फाइल या फोल्डर के अंदर रखो। कोई भी मैला कुचैला हुआ या फटा हुआ रेज्यूमे ना हो, क्योंकि मैंने भी कई बार एज ए एचआर मैंने इंटरव्यू लिए हैं कई कैंडिडेट के, तो कई कैंडिडेट अपना मुड़ा हुआ रेज्यूमे या ऐसा रेज्यूमे जो बीच में से मतलब फटा हुआ होता है, ऐसे रेज्यूमे तक लेकर आए हुए हैं, या कई बार तो वो रेज्यूमे लेकर ही नहीं आते हैं वो। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो अपना रेज्यूमे हार्ड कॉपी जरूर कैरी करके ले जाओ। और जो इंटरव्यू पर जब आप जाओगे तो हायरिंग मैनेजर पे या एचआर पे या रिक्रूटर पे इसका बहुत ही एक अच्छा असर पड़ता है। अब आपके लिए मैं लेकर आई हूँ सेकंड पॉइंट, प्रिपेयर द इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रॉपरली। इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आंसर्स है, जो जनरली क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड है, आपके फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड है, आपका जो लास्ट कंपनी है उसके क्वेश्चन आंसर्स है, मतलब उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे नॉर्मली हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करके लेकर जाओ। आप कहाँ पे रह रहे हो, आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अगर चेक किया जाएगा तो उसके लिए आप अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन बैकग्राउंड है उसको भी आप अच्छा करके रखो। अगर आप इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब कि आप उस इंटरव्यू को आप क्रैक नहीं कर पाओगे। जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं उनको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है, और जनरल क्वेश्चंस में मेन वही आते हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन, एजुकेशनल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, और इसके अलावा आपकी वीकनेस स्ट्रेंथ हो गई है, आपकी अपनी जो क्वालिटीज है उसको जानने के लिए आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि हम आपको क्यों हायर करें, ये क्वेश्चन है। तो इस टाइप के जो जनरल क्वेश्चन है जो आपको हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो वो आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करने होंगे, क्योंकि ताकि इसका जो इंटरव्यूअर है या जो हायरिंग मैनेजर है या जो भी इंटरव्यू ले रहा है, जो भी मैनेजर या जो भी रिक्रूटर या जो भी एचआर इंटरव्यू ले रहा है, तो उस पर इसका एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़े, बहुत ही अच्छा असर पड़े, ताकि आप इंटरव्यू को इजिली क्रैक कर सको। अब नेक्स्ट पॉइंट है, मीन्स थर्ड पॉइंट है, जॉब पोर्टल्स जो है, जैसे naukri.com है, shine.com है, monster.com है, timesjobs है, apnajob.co.in है, qjobs है, jobhai.com है, इस टाइप के जितने भी पोर्टल्स है जिस पे आप अपने अपना सीवी डाला हुआ है, सीवी अपलोड किया हुआ है, तो उसमें अपना अपडेटेड रेज्यूमे ही डालकर रखो। और कॉन्टिन्यूसली आप हर दूसरे दिन, अगर हो सके तो डेली बेसिस पर, नहीं तो हर दूसरे दिन आप जॉब्स आप अप्लाई करते रहो। क्योंकि अगर आप कॉन्टिन्यूसली एक्टिव रहोगे तो आपका जो प्रोफाइल है रिक्रूटर के आगे वो सबसे ऊपर आता है। कभी भी ये बात सिर्फ एक जो एचआर है ये वही जानता है, जो भी कैंडिडेट कॉन्टिन्यूसली जॉब अप्लाई करता है, अपना लॉगिन अपडेटेड करता रहता है, तो उसका जो रेज्यूमे है वो सबसे ऊपर हाईलाइट होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बता रही हूँ, नेक्स्ट ट्रिक बता रही हूँ, अगर पॉसिबल हो सके तो लिंक्डइन पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, जो ये जॉब्स ग्रुप्स होते हैं, जिस उन ग्रुप्स में डेली बेसिस पर
डेली बेसिस पर जॉब्स आती रहती है, चाहे अकाउंट्स की है, चाहे सेल्स की है, चाहे फील्ड की है, चाहे ऑफिस बॉयज की है, चाहे डिलीवरी बॉयज की है, चाहे इंजीनियरिंग की है, चाहे मैनेजर की है, चाहे बिजनेस डेवलपमेंट की है, मतलब हर तरह की आईटी, नॉन आईटी, ग्रे कॉलर, व्हाइट कॉलर्स, मतलब हर तरह की हायरिंग्स उन पर आती रहती है। तो इन ग्रुप्स को आप ज्वाइन करो और इन ग्रुप्स पर आप डेली आप चेक करते रहो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कौन कौन सी जॉब्स आई हुई है। जैसे ही आपको जॉब्स मिले उस पर आप अपना सीवी सेंड करो, नहीं तो उनको याद अगर कॉल कर सकते हो तो कॉल करो, नहीं तो उनको व्हाट्सएप पर अपना रेज्यूमे सेंड करो अपना एक टेक्स्ट मैसेज डालकर। इसके अलावा इन्हीं जॉब्स ग्रुप्स पर टेलीग्राम पर जो जॉब्स ग्रुप्स हैं वो, व्हाट्सएप पर जो जॉब्स ग्रुप्स हैं और जो लिंक्डइन पर जो जॉब्स ग्रुप्स हैं, इन पर आप डेली बेसिस पर करते तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप हर दूसरे दिन या तीसरे दिन इन पर अपनी रिक्वेस्ट आप डालते रहो कि मुझे जॉब सर, कि मुझे ये जॉब चाहिए और मेरी ये क्वालिफिकेशन है हाईएस्ट, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरा लास्ट सैलरी पैकेज ये था और मैं इमीडिएट ज्वाइनर हूँ या मैं 15 डेज में ज्वाइन कर सकता हूँ, जो भी आपकी डिटेल्स है अपना ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर डालकर इसको इन पर आप डेली बेसिस पर या हर दूसरे दिन या आप अपनी अपने उसके हिसाब से आप देख लेना, इसके अकॉर्डिंग इस पर आप डालते रहो तो जो रिक्रूटर्स है, जो कैंडिडेट्स देख रहे होंगे, जो कैंडिडेट सोर्स कर रहे हैं, तो उनको पता चलेगा कि आपको जॉब चाहिए तो वो आपसे डायरेक्टली या तो कॉल कर लेंगे नहीं तो आपका रेज्यूमे वो मंगवा लेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक ट्रिक और मैं बता रही हूँ, जैसे linkedin.com है इस पर आप अपना एक लॉगिन क्रिएट करो। जो linkedin.com है ये एक प्रोफेशनल वेबसाइट है, प्रोफेशनल सोशल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए है, ये जॉब सीकर्स के लिए, रिक्रूटर्स के लिए, एचआरस के लिए, बिजनेस मैनेजर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए यूज की जाती है। तो आप जो linkedin.com है इस पर आप अपने कनेक्शन, आप इस पर आप अपना लॉगिन क्रिएट करो, उस पर अपना प्रोफाइल सेट करो, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, अपनी क्वालिफिकेशन है, और इसमें आप हैशटैग जरूर यूज करना जब आप अपना सिंपल एक पोस्ट करोगे इस पे। इस पे आप अपने कनेक्शंस बढ़ाओ। इसमें सबसे पहले आप जो एचआरस है, जैसे जो एचआर रिक्रूटर्स है, हायरिंग मैनेजर्स है, एचआर मैनेजर्स है, डिफरेंट कंपनीज के हैं या कंसल्टेंट के हैं, वो है आईटी कंपनीज है या आपकी अकॉर्डिंग जिस इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं, चाहे वो आईटी की है, चाहे मैकेनिकल की है, चाहे ऑयल कंपनी है, चाहे आईटी की कंपनी है और इंजेक्शन मोल्डिंग है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, एजुकेशन कंपनीज है, तो आप जिस कंपनी से भी बिलोंग करते हैं उनके हायरिंग मैनेजर्स को, एचआर मैनेजर है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स है, उन सबको आप अपने कनेक्शन में इन्वॉल्व करो और अपनी जो रिक्वेस्ट है वो आप अपने इस पे पोस्ट करते रहो। साथ ही साथ आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी क्वालिटीज है, क्वालिफिकेशंस है, उन सबको आप उस पोस्ट में आप डाल सकते हो, लेकिन उसमें साथ साथ आपको हैशटैग का भी यूज करना होगा। जैसे लिंक्डइन पे यूज किए जाते हैं हेल्पिंग हैंड्स ईच अदर, हेल्पिंग हैंड्स क्विक जॉब्स फॉर मी, एचआर रिक्रूटर्स है, मैकेनिकल के लिए हैश मैकेनिकल है, मैकेनिकल इंडस्ट्री है, इंजेक्शन मोल्डिंग्स है, इस टाइप में आप हैशटैग करके आप डाल सकते हैं इसमें। और इसके अलावा लिंक्डइन पर काफ़ी ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें काफ़ी हजारों में क्या लाखों में कनेक्शंस उनमें इन्वॉल्व होते हैं उन ग्रुप्स में, तो उन ग्रुप्स को आप ज्वाइन करो, उसमें भी अपनी रिक्वेस्ट डालो। मैं आपको फुल श्योर इस बात की गारंटी दे रही हूँ कि आपको कॉल्स भी आएंगे और आपको जॉब्स भी इजीली मिलेंगी। कैंडिडेट चाहे एंट्री लेवल है, चाहे बीपीओ से रिलेटेड है, चाहे एक्सपीरियंस्ड है, चाहे कोई भी है, उसको जॉब्स जरूर मिलेगी, लेकिन आपको कॉन्टिन्यूसली बेस पर व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप्स में, लिंक्डइन पर अपने रिक्वायरमेंट्स, अपना पोस्ट वो आप कॉन्टिन्यूसली आप डालते रहो। जो एचआर रिक्रूटर्स है, कहीं भी आपको जॉब मिले तो उन पर आप अपना सीवी उनको आप या तो आप सेंड करो, नहीं तो उनसे कॉल करके आप बात कर लो कि आपको जॉब की रिक्वायरमेंट और आपकी ये पोजीशन है तो इसमें आपको जॉब्स चाहिए। आप ये ध्यान रखिए, ये जो मैंने आपको 4 to 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हुए हैं, इनको अगर कॉन्टिन्यूसली आप फॉलोअप करते हो तो आई एम फुल श्योर गारंटी दे रही हूँ, चाहे आप फ्रेशर हो, एंट्री लेवल पे हो, चाहे आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे आप मैनेजर हो, आपको जॉब फुल श्योर गारंटी की आपको मिल जाएगी इजिली। मेरे ऐसी और वीडियोस आप देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे भी ऐसे ही और बहुत ही यूजफुल वीडियोस मैं क्रिएट करती रहूँगी और उनको मैं आप लोगों के लिए मैं सेंड भी करती रहूँगी। मैं थैंक यू।